हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन सॉल्व। फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए मॉर्निंग सेशन। और आपके सेशन में फ्रेंड्स आज डिस्कस करने वाले हैं वो टॉप बिहार के जीके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। फ्रेंड्स, ये 200+ ऑब्जेक्टिव है, इसलिए फ्रेंड्स आप हमारा ये सेशन कंटिन्यू व्यू में देखते रहे। अगर आपको क्रैक करना हो बीपीएससी या आपका बिहार एसआई, तो ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन हमने इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, अर्थात कि वो क्वेश्चंस बिहार जीके के आपका लोअर लेवल से लेकर बिल्कुल कोर लेवल तक के सभी क्वेश्चंस को इसमें शामिल किए हुए हैं। आइए फ्रेंड्स, ये आपका काफी कम समय का, सिर्फ 35 मिनट्स का ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा रहने वाला हेल्पफुल, इसलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू फॉर्म में आप हमारे सेशन में बने रहे। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग सेशन। हेलो फ्रेंड्स, इस पीपीएससी अर्थात कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके प्रिपरेशन के क्रम में हम लोग देख रहे थे अभी बिहार के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अबाउट 200 तक पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बिहार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपका, मैंने बताया था कि आपका जीरो लेवल से लेके आपका टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए फ्रेंड्स अभी तक हम लोग देख रहे थे लेवल थोड़ा सा कम वाला, अब देखेंगे उस लेवल की क्वेश्चंस, जिस लेवल की क्वेश्चंस आपके आपका आईएएस के एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स अब थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल आज के सेशन में थोड़ा सा टफ होगा पहले के लेवल से, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा अपना माइंडसेट कर लीजिएगा। और थोड़ा सा लेवल ऊंचा है, लेकिन लेवल जितना ऊंचा होगा आपके एग्जाम्स के लिए उतना बेटर होगा, इसलिए थोड़ा सा फ्रेंड्स आपका खुद पे टॉलरेट करके आंसर देने की कोशिश पूरा करेंगे। क्वेश्चंस आपके लेवल का ही है, बस थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, इजी टू मॉडरेट मैंने बोला था, आज का क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, राइट फ्रेंड्स। आई फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें जानना, वो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है। आपको बताना फ्रेंड्स बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया, फटाफट करें फ्रेंड्स आंसर, जल्दी बताएं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स के सही जवाब की बात करें तो ये आपका सही आंसर है मुजफ्फरपुर, राइट फ्रेंड्स, अर्थात कि विक्रमशिला सेतु जो है गंगा नदी पर निर्माण हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है, मुजफ्फरपुर में, क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद की अगर बात करें तो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स बिहार में किस वर्ष बहुप्रेक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला आयोग बिहार में बहुप्रेक्षित राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया। और फ्रेंड्स के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी 2001 में महिला आयोग 2001 में बिहार में लागू हुआ, क्लियर है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रेंड्स कि रेल मंत्री ने बिहार राज्य के रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने हैं। आपको बताना है कि कितने स्टेशन को रेल मंत्री ने बिहार राज्य के कितने ऐसे रेलवे स्टेशन जिसे आदर्श स्टेशन के रूप में बनाने के लिए विकास करने के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स करेंट से जोड़ कर मैंने क्वेश्चंस रखे इसमें, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप कंटिन्यू सेशन में रहें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक बटन क्लिक करना ना भूलें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स के सही जवाब की अगर बात करें तो इसका सही जवाब है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात कि 9 स्टेशन, राइट फ्रेंड्स, अर्थात कि 9 स्टेशन को क्या कर दिया गया है, 9 स्टेशन को चयनित किया गया है आदर्श स्टेशन के रूप में बनाने के लिए, जिसमें आपके मुजफ्फरपुर पटना भी शामिल है, राइट फ्रेंड्स। उसकी अगर बात करें तो क्वेश्चन फोर्थ जो है आज का वो कहता है फ्रेंड्स रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है, फटाफट बताओ फ्रेंड्स।
कौन से स्टेशन इसमें शामिल नहीं है। और फ्रेंड्स का सही जवाब की बात करें तो गया भी है, पटना भी है और दानापुर भी है। तो अब कंफर्म हो गया कि कौन नहीं होगा, ओबियसली सी बात है भागलपुर। राइट फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? भागलपुर आदर्श स्टेशनों में शामिल नहीं है, गया है, पटना है, दानापुर है, मुजफ्फरपुर है, ये सभी जो समस्तीपुर है टॉप स्टेशन से वो शामिल है, लेकिन इसमें भागलपुर शामिल नहीं है। राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि बिहार राज्य के वह रेलवे स्टेशन जिन्हें रेल मंत्री द्वारा आदर्श स्टेशन में शामिल किया गया है। अब फटाफट इसमें से बताओ, ऐसे ही देखने से लग रहा है आपको, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और इसका सही जवाब की अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसका सही जवाब उपयुक्त में सभी, इसमें सभी को याद हो जाएगा आपको, दानापुर है, पटना, ठीक है, गया, बक्सर और आरा, सोन, नवादा, सोनपुर, नवादा और नालंदा। राइट फ्रेंड्स, याद रहेगा सबको, क्लियर है फ्रेंड्स? दानापुर, पटना, गया, बक्सर, आरा, सोनपुर, नवादा और नालंदा, याद रहेगा सबको फ्रेंड्स, याद रहेगा सबको। चलिए फ्रेंड्स, अगर याद रहेगा तो देखते हैं फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन है राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी प्राधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग को किस राज्य ने सबसे पहले आपका लागू करने का प्रावधान आया था, फटाफट बताना है फ्रेंड्स। और इसके सही जवाब की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। स्पेशली सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि बिहार के बारे में पढ़ रहे तो बिहार का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेकिन ये आपके एग्जाम्स में आएंगे तो आपको ये पता नहीं होगा कि बिहार के क्वेश्चन है कि कहाँ के, इसलिए उस समय आपको याद रखना है कि अल्पसंख्यक आयोग का कानूनी अधिकार सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, बिहार में, ठीक है। बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित की जाएगी, आपको बताने से पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर, इन सभी में से कहां पर, आपको बताना इसका सही जवाब, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और इसके सही जवाब की बात करें फ्रेंड्स तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बक्सर में। राइट फ्रेंड्स, अब देखिए लीची अनुसंधान केंद्र माइंड देखते ही आप मुजफ्फरपुर टीका आउट नहीं कीजिएगा, लीची के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है, बक्सर में, जैसे कि आपका कृषि के अनुसंधान केंद्र आपके दिल्ली में भी स्थित है। अब कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में कृषि उतने बृहद स्तर पे नहीं होती, लेकिन अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है। राइट फ्रेंड्स, तो इसलिए ऐसा आप इमेजिन नहीं कीजिएगा कि जहाँ पे जिसके लिए फेमस है, ऑब्वियसली सी बात है रिसर्च सेंटर भी वहीं पे होगा, ऐसा माइंड मेकअप नहीं कीजिएगा। राइट फ्रेंड्स, इसलिए इसका सही आंसर बक्सर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की इस पार्ट का, तो 3 क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स भारत का लीची का सर्वाधिक उत्पादन, आगे क्वेश्चन, भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होगा, समस्तीपुर, केले के लिए सोनपुर, और आपका लीची के लिए कौन सा, मुजफ्फरपुर आपका फेमस है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है आपको क्वेश्चन नंबर 4 कि बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कहां से हुआ था, सॉरी फ्रेंड्स कब हुआ था, जन शताब्दी एक्सप्रेस, आजादी के ठीक अगले दिन से फ्रेंड्स, 16 अगस्त 2005 से। राइट फ्रेंड्स, आजादी का जो दिवस मनाते हैं उसके अगले दिन, आजादी के अगले दिन का मतलब ये नहीं समझेंगे 16 अगस्त 1947 की बात कर रहा मैं, 16 अगस्त 2005 से। राइट फ्रेंड्स, बिहार राज्य के किस जिले में साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के, साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है, आपको बताना है किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार प्राप्त होने की बात या पुरस्कार के लिए चूज किया गया है, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और इसके सही जवाब की बात करें फ्रेंड्स
तो ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में साक्षरता आपका अधिक है, जिनके वजह से उसे सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार देने के लिए चूज किया गया। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि आपके जो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बिहार करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। इसलिए फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और इसमें हम आपको टोटल आपको लगभग आपको 125 क्वेश्चन इसके कराने वाले हैं, ठीक है, जो करेंट से जोड़कर और आपके बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बिहार करेंट अफेयर प्लस में आपका जो बिहार का कोर क्वेश्चन है वो दोनों क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार आपके जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके बिहार से रिलेटेड है और करेंट अफेयर वाले क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड, वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, इसलिए इन क्वेश्चन को जानना ज्यादा जरूरी है। बताइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन कहता है बिहार निवासी बिस्मिल्ला खान जो कि सहनाई के लिए प्रसिद्ध है ना जी, आपको बताना है कि इनमें उनका कौन सा कथन बिल्कुल सही जवाब है बिस्मिल्ला खान के बारे में, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और इसके सही जवाब की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, उपयुक्त में सभी। बिहार का गौरव और सम्मान सम्मानित किया इन्होंने, भारत रत्न से भी नवाजा गया इन्हें, सहनाई वादन में सर्वश्रेष्ठ, तीनों क्वालिटी अवेलेबल है। इसमें से आप एक पे ज्यादा किसी को याद रहता है, अगर उससे भी ज्यादा है तो आपका भारत रत्न की बात, लेकिन ये फ्रेंड्स तीनों के तीनों सही है, अर्थात की उपयुक्त में सभी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर है, और फ्रेंड्स के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट फ्रेंड्स, एम्स, जैसे दिल्ली में एम्स है तो पटना में भी एम्स है राइट फ्रेंड्स, शॉर्ट में वो बहुत ही याद रहता है आप लोग को, याद रहेगा ना एम्स, एम्स कहां पे, पटना में है। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कहता है कि बिहार की अति निर्धन वर्ग के जीविका परियोजना किस सहायता से प्रारंभ की गई, आपको बताना है बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी, और जीविका परियोजना के लिए आपका कौन मदद किया था हमारी, वो किया था वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक राइट फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति, अशोक चक्र बड़ा सम्मान है आपका, ठीक है, अशोक चक्र और परमवीर चक्र दो ऐसे चक्र हैं जो कि आपकी वीरता के क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग महत्व है। परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया जाता है जबकि अशोक चक्र जीवित कंडीशन में ही दिया जाता है, आपको बताना इसका सही जवाब, और इसका सही जवाब है फ्रेंड्स रणधीर वर्मा को राइट फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी भोला पासवान शास्त्री याद रहेगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, फ्रेंड्स बताना है कि बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक उत्पादन अर्थात कि सल्फर का उत्पादन किस जिले में होता है, तो फ्रेंड्स इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है आपका रोहतास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, रोहतास में सल्फर की उत्पादन सबसे अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर टू कहता है इसमें का बिहार में किसने फाग राग की सृजन किया था, ठीक है, फाग राग लग्नी राग ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये आपके बिहार का सबसे आपके लोक नृत्य है, सॉरी लोक क्या कहते हैं उसके लोक गाने, इसे याद रखना ज्यादा जरूरी है। और इसका सही जवाब की बात करें फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
इसका सही जवाब की बात करें फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अर्थात कि मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम अर्थात कि फागरा की स्टार सबसे पहले किन्होंने की थी? मीर कासिम ने। राइट फ्रेंड्स, आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा भगवान महावीर का देवासन बिहार में कहाँ हुआ था। इजी है, इजी मोस्ट है, सब कुछ फटाफट आंसर कर देगा, जल्दी आंसर करो फटाफट। और इसका सही जवाब फ्रेंड्स पावापुरी। राइट फ्रेंड्स, पावापुरी में। आप फटाफट बता दो मुझे कि बौद्ध धर्म का कहाँ हुआ था, भगवान बुद्ध का कहाँ हुआ था, भगवान बुद्ध का कहाँ हुआ था, कोई बता दो फ्रेंड्स। किसी को अगर पता है तो फटाफट बता दो कि भगवान बुद्ध का अंतिम क्षण कहाँ बीता था, कुशीनगर में, याद रहेगा सबको। चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 4 कहता है बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। पावापुरी में अंतिम संस्कार, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? और इसका सही जवाब वैशाली में। राइट फ्रेंड्स, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा राजगद्दी पर बैठने वाला पहला भारतीय था। कुंवर सिंह, शेरशाह सूरी, बिंबिसार अशोक, फटाफट बताना है। और इसके सही जवाब की बात करें फ्रेंड्स तो बिंबिसार। राइट फ्रेंड्स, बिंबिसार इसका सही जवाब है। राइट फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी फ्रेंड्स सी, बिंबिसार। राइट फ्रेंड, शेरशाह सूरी ने पहले पटना की स्थापना करी थी, इसे याद दे रखेंगे। कुंवर सिंह आपके 1857 1857 की गारंटी में बिहार की तरफ से लड़े थे जगदीशपुरी से, इसे आप नाम नहीं रखेंगे, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था बिहार? फटाफट बताना, बिहार से बिलोंग करने वाला कौन पहला व्यक्ति था जिन्होंने ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त किया? और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। और इसका सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर। राइट फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किसके लिए? रेणुका के लिए। राइट फ्रेंड्स, रेणुका के लिए, इनकी एक कृति है रेणुका। राइट फ्रेंड्स, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? ये सबको याद है, पहले भी मैं करा चुका इस क्वेश्चन को, चंपारण में। राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है, कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? और फ्रेंड्स का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, अवधि। कहाँ है आपका? यूपी में प्रचलित है, देखने से ही जैसा लगता है, ठीक है, अपनी कर लीजिएगा। यूपी में आपका अवधि प्रचलित है, बिहार में मैथिली चलती है, मगधी चलती है और भोजपुरी चलती है। राइट फ्रेंड्स, बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? और इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मध्यम, ठीक है, नहीं तो अधिक उच्च है, नहीं निम्न है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे भी रहने वाले लोग हैं। उसके बाद की अगर बात करें फ्रेंड्स तो बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया था? और फ्रेंड्स के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 1978 में, 1978 में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं और क्वेश्चन। अब पता ना फ्रेंड्स आपको कि बिहार में, बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? और फ्रेंड्स का सही जवाब कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर में। गलती से भी पटना नहीं टिकाउट कीजिएगा। फर्स्ट नेशनल जो सेंटर बना हुआ था आपका, नेशनल जो आपका ब्रॉडकास्टिंग बनता है सेंटर, वो कहाँ बना था? वो बना था आपका मुजफ्फरपुर में। राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका कहता है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? बिहार में पहला बैंक कौन स्थापित हुआ था? और वो बैंक था फ्रेंड्स केनरा बैंक। राइट फ्रेंड्स, केनरा बैंक वो पहला बैंक था जो कि बिहार में स्थापित हुआ था।
राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो कहता है बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे। निर्दलीय मुख्यमंत्री याद रखिएगा फ्रेंड्स, और इसका सही जवाब कौन से होंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राइट फ्रेंड्स, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री चूज किए गए थे। क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था, और इसका सही जवाब फ्रेंड्स क्या होगा, 1950 में। राइट फ्रेंड्स। उसके बाद की अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसके बाद का क्वेश्चन हमारा कहता है अब लास्ट नंबर कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान पर नौपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुआ था। किस स्थान पर सबसे पहले नौपाषाण युगीन, याद रखिए फ्रेंड्स, नौपाषाण पूरा पाषाण कहाँ कहाँ मिला था, सबका अलग अलग जगह है, और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, पूर्णिया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा फ्रेंड्स ये नौपाषाण युगीन था, अगर पूरा पाषाण होता तो आपका आंसर क्या होता, चिरांद भी होता, चिरांद में भी मिला था आपका। ठीक है, इन सभी अवशेष के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स ये छोटा सेशन है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल है, इस तरह से मैं चाह रहा हूँ कि छोटा छोटा सेशन ही दो, क्योंकि बड़े सेशन आप लोग पूरा देख नहीं पाते हैं। मैंने देखा था क्वेश्चन पूरा बनाने के बावजूद भी 40 मिनट 50 मिनट तक के क्वेश्चन हमने बनाए थे, लेकिन उस सेट सीरीज में भी आप लोग ज़्यादा स्टूडेंट शामिल नहीं हुए। उसके बाद जब मैं क्लासेस आपका कंसेप्चुअल क्लासेस स्टार्ट करूँगा फिर तो क्लासेस फिर लंबी हो जाएंगी, अर्थात कि अब अगले क्लास में एक दो क्लास और है जो कि इम्पोर्टेंट आपके करेंट अफेयर बिहार के रिलेटेड है, उनको मैं जोड़ने वाला हूँ इसमें। उसके बाद आपका चलेंगे हम लोग स्पेशली करेंट अफेयर सेक्शन पे ही, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे, आपके हिस्ट्री के वो क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स आशा आज की पॉइंट सभी को क्लियर हो गई होगी, अगर किसी को डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आप पूरी सेक्शन में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।